नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागरूक न्यूज चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। प्रयागराज विकासखंड मांडा के 69 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाकर एक माह का अवकाश मांगा है। ग्राम विकास अधिकारियों ने इस आशय का प्रार्थना पत्र बीडीओ को सौंपा है। बीडीओ ने सभी प्रार्थना पत्रों को सीडीओ के पास भेज दिया है। उधर ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक सभागार में बैठक कर 2 दिन बाद कार्य बहिष्कार और 10 दिन बाद ब्लॉक में तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। शुक्रवार को मांडा ब्लॉक में वीडियो सहित कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। 8 ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कोराव जाकर मांडा ब्लॉक के प्रभारी बीडीओ रमाशंकर सिंह को 1 महीने के सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया। वीडियो ने मामले की जानकारी सीडीओ को दे दी है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर नए नए वेंडरों की सूची जारी की गई, उसमें बताया गया कि यह नवीन राही ब्लॉक की ओर से अधिकृत किए गए हैं। प्रधानों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जारी सूची में शामिल 7 वेंडरों की कहीं कोई दुकान नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्हीं वेंडरों से निर्माण सामग्री लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारियों पर किसका दबाव है यह बताने से भी कतरा रहे हैं। शुक्रवार को मांडा ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधान संघ की अध्यक्ष राधिका द्विवेदी की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 2 दिन तक सचिवों और कर्मचारियों के प्रतीक्षा करने के बाद मंगलवार से ग्राम पंचायतों के मनरेगा सहित सभी काम ठप कर देंगे और 10 दिन बाद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ब्लॉक में तालाबंदी कर देंगे। कुछ ग्राम प्रधानों ने कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया। एक ग्राम पंचायत अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग इतना मानसिक दबाव नहीं झेल सकते जितना इस समय मांडा ब्लॉक में है। पूरे मामले की जानकारी खंड विकास अधिकारी ने सीडीओ को दे दी है, लेकिन अभी सीडीओ प्रयागराज के तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ये बात कही गई। कुछ लोगों का कहना है कि प्रमुख जी ने 5 वेंडर नामित किए हैं और जिन लोगों को नामित किया है उन्हीं का बिल लगेगा तभी पेमेंट होगा, ऐसा उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारियों की बैठक लेकर के कहा। कल सुबह में लगभग 10 बजे प्रमुख मांडा को फोन किया और मैंने उनसे वार्ता किया। उस समय जिला पंचायत में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। 1 बजे के लगभग उन्होंने कार रिटर्न किया। उस समय मेरे पास समय नहीं था, मैं मीटिंग में था। लगभग 5 बजे हमारी उनकी बात आमने सामने बैठ करके हुई और लगभग 2 घंटे तक हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं किसी ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रताड़ित नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी वेंडर का नाम लिया हूँ। ग्राम पंचायत अपने इच्छा अनुसार अपना बिल लगा सकती है, अपने टेंडर के हिसाब से ग्राम पंचायत अपना टेंडर करती है। जिसका टेंडर उसको समझ में आ रहा है, जिसका रेट लो है, क्वालिटी सही है, उसका वो बिल लगाए, हमें कोई इतराज नहीं है। और मेरे द्वारा कोई भी वेंडर अगर कोई ग्राम पंचायत ऐसा अधिकारी कह रहा है तो गलत कह रहा है। मैं किसी का पेमेंट नहीं रोका हूं, उन्होंने सीधा इस बात से इनकार किया। मैं खंड विकास अधिकारी से वार्ता किया, उन्होंने भी आज यही बात कहा कि सारे ग्राम पंचायत अधिकारी कल मेरे पास आए हैं पूरा, उन्होंने लिख करके दिया है कि मैं प्रताड़ित हूँ मांडा में और हम तब तक वहां काम नहीं करेंगे जब तक वहाँ की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत की अधिकारियों की समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, उनका समाधान सीडीओ करें, जिलाधिकारी करें, खंड विकास अधिकारी करें, ब्लॉक प्रमुख करें, जिसके अंदर में मामला चल रहा है। इसमें ऐसा कोई प्रधान नहीं है जो ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रताड़ित किया हो। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।